Hi guys, good morning, good to see you all. Very good morning, everybody. Can you please quickly confirm if I'm visible and audible? So, this particular session may I'm going to be discussing as to how to manage your mock days, and since this is a Sunday and I know that all of you write your mocks on Sundays, most of you. तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस डे को कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज सम ऑफ यू हैव दिस प्रॉब्लम दैट समटाइम्स यू नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन अ मॉक टेस्ट फॉर फुल 2 आवर्स, है ना। हमको कई बार यू कुछ से ऐसा लगता है कि 1-1.5 घंटे में हमें मन ही नहीं कर रहा मॉक टेस्ट देने का, तो कुछ कुछ वो रीजन होते हैं मॉक टेस्ट के। सो हम वो डिस्कस करेंगे प्रॉपरली एज टू वाई सम पीपल डिस्पाइट वर्किंग हार्ड आर नॉट एबल टू डू वेल इन द मॉक टेस्ट एंड हाउ टू मैनेज योर मॉक टेस्ट डेज। जिस दिन आप मॉक टेस्ट दोगे उस दिन कैसे आपको मैनेज करना है वो डे, ठीक है। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस इन 30 सेकेंड्स। लेट एवरीबडी क्विकली ज्वाइन इन विद अस, राइट। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड टू सी यू ऑल, गुड मॉर्निंग। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। तो देखो, अभी देखो बेसिक सा होता है, आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीबडी राइट्स मॉक क्लैट के टाइम पर ही, राइट। तो मैं मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग सब लोग 2 to 4 PM मॉक लिखते हो, ठीक है, दिस इज माई अजम्पशन। तो अब इसमें क्या होता है ना, समटाइम्स व्हाट वी डू इज कि कुछ हमारा प्लान होता है कि आज सुबह से करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेंगे, है ना। ये हमारा प्लान रहता है कि सुबह से काम करते करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेंगे। नाउ सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आप करंट अफेयर्स रिवाइज कर लोगे, है ना, तो दैट इज गुड, दैट इज नॉट एन इश्यू। बट अगर आप बहुत ज्यादा सुबह के टाइम पर प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, बहुत ज्यादा एकदम प्रैक्टिस करोगे और खुद को एकदम एग्जॉस्ट कर दोगे, सो दैट इज नॉट आइडियल। मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप करो ही मत, आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप प्रैक्टिस करो ही मत, राइट। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करोगे मॉक से पहले, तो एक बार आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर एनर्जी, राइट। टुडे इज मीटिंग रिगार्डिंग डोमिसाइल। यार ये जो भी एनएलयू जी की डोमिसाइल के भरोसे बैठे हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ। अभी एनएलयू जी में 350 रैंक तक एडमिशन होता है, डोमिसाइल आने के बाद 500 रैंक तक होगा। तो कोई बहुत ज्यादा कोई मार्क्स कम नहीं लाने पड़ेंगे, 2-4 नंबर का फर्क होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई डोमिसाइल आने से राजस्थान के बच्चों के लिए इजी हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। आस्क के जेएनएलयू और एचएनएलयू में राजस्थान के कितने बच्चे होते हैं, वही सारे बच्चे एनएलयू जोधपुर में आ जाएंगे, वो सारे टॉप 500 रैंक वाले बच्चे होते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि राजस्थान में अगर डोमिसाइल आ गया तो बाकी मतलब बहुत ही एकदम 1500 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, राइट। तो ये चीज आपको कर सकते हो अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर टॉपिक में करनी है, लेकिन यहां पर प्रैक्टिस में बहुत सारा टाइम नहीं देना है। When it comes to mock test day, mock के बाद दे सकते हो, शाम के टाइम में रात के टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। लेकिन उस टाइम पे सुबह से मत करना बहुत ज्यादा। करंट अफेयर्स रिवाइज करो आइडियली, अगर आपको भी लग रहा है कि पर्टिकुलरली आपके लास्ट मॉक में एक आध क्वेश्चन गलत हुए तो उसको देख लो, है ना। प्रीवियस मॉक्स को एक बार चेक कर सकते हो कि प्रीवियस मॉक्स में क्या गलती की थी, क्योंकि आप प्रीवियस मॉक से कम्पीट कर रहे हो तो जनरली तो ये इंपॉर्टेंट है। यार अगर 7 to 8 पैसेजेस में नहीं हो पा रहे हैं ना, तो इस कोशिश करो कि पर पैसेज थोड़ा टाइम अपना बांध लो। पर पैसेज अगर आप ज्यादा टाइम लगाओगे तो वो आप 4-5 ही कर पाओगे, है ना। तो अगर आप पर पैसेज अपना टाइम फ्रेम सेट कर सकते हो कि हाँ दिस इज द टाइम दैट आई हैव बीन गिवन एंड दिस इज द पर पैसेज टाइम। जैसे मान लो अगर आपको 40 मिनट्स में 8 पैसेज करने, तो आपके पास रफली 4-5 मिनट हो गए पर पैसेज, तो किसी में 6 लगेंगे तो किसी में 4 लगेंगे, लेकिन फिर 6 से एक्सीड नहीं करना चाहिए कोई भी पैसेज। तो ये हमको खुद को समझ के चलना पड़ेगा कि 6 से एक्सीड ना करे कोई भी पैसेज, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखो, डोंट गेट स्टक ऑन क्वेश्चंस, डोंट वेस्ट योर अ लॉट ऑफ योर टाइम। इसके बाद जब भी आप मॉक देते हो 2 to 4, प्लीज डू नॉट हैव हैवी लंच। हैवी लंच मतलब, और एग्जाम टेस्ट के आसपास लंच भी मत करना, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली प्रॉब्लमैटिक। सो द आइडियल वे इज कि सुबह कुछ खा सकते हैं 11-12 बजे,
एंड देन यू कैन हैव लंच, प्रॉपर लंच आफ्टर योर टेस्ट ऑल्सो. 2 to 4 के बाद भी आप लंच कर सकते हो, बिकॉज होता क्या है कि वी ईट अ लॉट 1 1.5 बजे एग्जाम टेस्ट से जस्ट पहले. वी फील सो स्लीपी ड्यूरिंग द टेस्ट, बिकॉज जो 2 से 4 का जो टाइम है दैट इज स्लाइटली यू कुड से नॉट वेरी आइडियल फॉर राइटिंग अ टेस्ट. तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आप लंच उस दिन कर रहे हो तो या तो 4 बजे के बाद कर लो या फिर बहुत पहले कर लो, है ना. तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आपको अपना एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नींद आ रही है. यू हैव टू बी 100% फ्रेश ड्यूरिंग द एग्जाम, और वो आपको करना ही पड़ेगा, है ना. तो यू नीड टू मैनेज दैट कि हाउ डू यू वॉन्ट टू बी 100% फ्रेश, और क्या आपका तरीका है वो करने का. उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप मॉक टेस्ट कर लेते हो 2 to 4, इट्स ओके टू टेक, मतलब था 1 1 आवर का आप रेस्ट ले सकते हो उसके बाद में, नो इशू देयर. लेकिन ना टेस्ट में रेस्ट लेने के बाद में कोशिश करना कि उसको एनालाइज करो सेम डे पर, एनालाइज इट ऑन द सेम डे, क्योंकि सेम डे पर एनालाइज करना इज ऑलवेज हेल्पफुल. इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट आर द मिस्टेक्स यू हैव बीन मेकिंग, व्हाट आर द मिस्टेक्स यू मेड इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट ऑल्सो. तो वो करना जरूरी है. राइट. या टाइम मैनेजमेंट में आई थिंक जिन लोगों को टाइम मैनेजमेंट में अभी भी प्रॉब्लम है ना, द मेजर थिंग इज मे बी आप लोग इतने सारे सेक्शनल टेस्ट नहीं कर रहे हो, है ना. मॉक्स कर रहे हो फिर भी, लेकिन सेक्शनल और मॉक्स को ना ग्रुप बनाकर साथ में अच्छे से करो, ठीक है. सेक्शनल्स भी करो, जिस दिन भी मॉक कर रहे हो उस दिन भी सेक्शनल्स करो, जिस दिन मॉक्स नहीं कर रहे हो उस दिन तो सेक्शनल्स करने ही करने हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को टाइम करो हर चीज के लिए. इवन इफ यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, इवन इफ अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो खुद को टाइम करो कि आप पर आर्टिकल में कितना टाइम ले रहे हो, ठीक है. एलेट का भी सिंपल तरीका है ना, एलेट और क्लैट में मतलब ऐसे मैनेजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा, है ना. एलेट में आप यू कैन गिव यू योर 30 मिनट्स टू इंग्लिश, 10 मिनट्स टू आई मीन 5 मिनट्स टू करंट अफेयर्स एंड द रिमेनिंग टाइम, या फिर 35 मिनट्स दे सकते हो इंग्लिश को, 5 मिनट्स टू करंट अफेयर्स एंड रिमेनिंग 50 मिनट्स टू द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट. तो वही है. OMR पे देना स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल. यू कैन स्टार्ट डूइंग योर टेस्ट ऑन एन OMR, है ना. वो इम्पोर्टेंट रहेगा. ठीक है. तो दीज आर सर्टेन बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. इसके अलावा यू कैन आस्क मी डाउट्स, मैं आपसे डाउट्स ले लूंगा. स्लीपिंग पैटर्न कुछ नहीं होता, मतलब जो आप जनरली सुबह उठते हो आपको अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज करनी है, बहुत रिग्रेस फिजिकल एक्टिविटीज कोई मत करो, खेलने मत चले जाओ, है ना. बहुत ज़रा काम मत कर लो, बैठ के आराम से अपना करंट अफेयर्स रिवाइज करो, बैठ के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो तो करो. उससे पहले अगर आप थोड़ा पिछला वाला मॉक टेस्ट को एक बार फिर से देखना चाहते हो तो वो देखो. ये बेसिक बेसिक चीज़ें सुबह के टाइम पर करो. डोंट टेक टू मच स्ट्रेस एंड देन गो ऑन टू द टेस्ट बिल्कुल एक माइंड सेट से. तो अगर आप इसे 145 140 के आसपास से सोच लिया करो कि बस मॉक टेस्ट मोड में आ जाना है, और फिर बस सिर्फ ये सोचना है कि उस 2 घंटे में कैसे मैक्सिमम पोटेंशियल अपना यूटिलाइज करना है, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गाइज ये स्मॉल सेशन है, ठीक है. दैट इज इट फ्रॉम माई एंड, है ना. उसके अलावा कुछ इस पे खास डिस्कशन हमें करना नहीं था, तो दैट इज आई जस्ट वांटेड टू कीप इट. आइडियल स्कोर कुछ नहीं है. आइडियल स्कोर इज व्हाट इफ इट इज मोर देन योर लास्ट मॉक, दैट इज एन आइडियल स्कोर, ठीक है. वो कर सकते हो.
डेली न्यूज़पेपर नहीं रीड कर पा रही, नहीं डेली न्यूज़पेपर रीड करो, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, ठीक है, डेली न्यूज़पेपर रीड करो, कर नहीं पा रही क्या होता है भाई, पढ़ो ना, मतलब आ तो रहा है ना न्यूज़पेपर रोज, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, डू योर मॉक प्रॉपरली, आई सी यू गाइज अगेन, बाय.